हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रियंका जैन और आज आप लोग देख रहे हैं एक वीडियो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि आप सबको पता है 7 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है एंड आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से तैयारी करी होगी। लेकिन देखिए अब रिविजन चल रहा है, क्विक रिविजन आप लोग ले रहे हैं और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आई थिंक आपको जरूर पढ़ने चाहिए, आपके लास्ट टाइम रिविजन में होना ही चाहिए क्योंकि इन टॉपिक्स से अक्सर क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैं 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो देखिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, सबसे पहले जो दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, एक तो होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और दूसरा होता है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ओके, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ये दोनों चीजें हमको बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़नी चाहिए, इनका रिवीजन आप सबसे पहले करिएगा क्योंकि आधे से ज्यादा पोर्शन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूछा जाता है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से और ऑर्गेनोमेटेलिक से पूछा जाता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। यहाँ पे आपसे LMCT के बारे में पूछ लिया जाता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, या फिर मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर के बारे में पूछा जाता है। ओके, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है टर्म सिंबल्स के बारे में। कभी कभी आपसे टर्म सिंबल्स के बारे में भी पूछा जाता है। ये आपसे पूछा जाता है कौन सा स्पेक्ट्रा आपको सबसे कम एनर्जी पे मिल रहा है, लोएस्ट एनर्जी स्पेक्ट्रा कौन सा होगा यहाँ पर। तो इस टाइप के टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। आई थिंक आपने वीडियोस में कवर कर रखे होंगे, ये टॉपिक्स मैंने सारे ही आपको करवाए हुए हैं। तो आप जा सकते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, इंग्लिश में भी प्लेलिस्ट है, हिंदी में भी है, वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, और अगर आपने अपने नोट से पढ़ रखा है तो वहां पर आप इसका क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आउटर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म। आपने देखा होगा लास्ट कुछ ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स है उनमें आउटर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आपको रेट बताना होता है, कुछ कंपाउंड्स दिए होते हैं उनकी आपको पता होना चाहिए। जो मेटल टू लिगैंड बॉन्ड है उसकी एनर्जी कहाँ पर कम होगी, कहाँ पर ज्यादा होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली जो रिएक्शंस का रेट है वो डिसाइड होता है। तो इस पर मैंने बेसिकली वीडियोस बनाए हुए हैं आउटर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म पर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियोस है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपको बताना है डायामैग्नेटिक कंपाउंड कौन सा है या पैरामैग्नेटिक कौन सा है, या फिर आपसे वो पूछ सकते हैं कि स्पिन ओनली वैल्यूज कहाँ देखने को मिल रही है और कहाँ पर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से मिलते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से लेकर पूछ सकते हैं। तो ये भी बहुत ही इजी टॉपिक है, आई होप आपने कवर किया होगा। स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको मेरी क्विक ट्रिक्स का वीडियो भी दिख जाएगा। एक क्विक ट्रिक बनाई हुई है मैंने स्पाइनल्स पर, तो वहां से आप इसे इजीली कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, एक वीडियो आपका बनता है हाइड्रेशन एनर्जी पर। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है। हाइड्रेशन एनर्जी एक्चुअली में आपसे क्या होता है, कुछ हाइड्रेटेड कंपाउंड्स दिए हुए होते हैं वाटर के साथ, वाटर लिगेंड के साथ कंपाउंड्स होते हैं और आपको बताना होता है किस कंपाउंड का रेट ज्यादा होगा, किसका कम होगा, कहाँ पर एनर्जी ज्यादा है हाइड्रेशन की, कहाँ पर कम है। तो ये चीज अगर आपको पता है तो वो रेट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पर भी एक डायरेक्ट वीडियो मेरा है तो वो आप देख सकते हैं। तो ये थे कुछ टॉपिक्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक्स में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक्स आई थिंक आपने पढ़ी होगी और बहुत अच्छे से पढ़ी हुई होगी क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बी पार्ट में भी, सी पार्ट में भी। बेसिकली बी पार्ट में आपसे नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स पूछा जा सकता है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में पूछा जा सकता है, हैप्टिसिटी, आइसोलोबिलिटी, ये तीनों टॉपिक्स बहुत ही इजी हैं। और बी जो ऑप्शन है उसमें 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO बॉन्ड, न्यू CO, ये भी आपने पढ़ रखा होगा, एक बहुत अच्छा टॉपिक है। आपको न्यू CO के बारे में बताना होता है कहाँ पर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी, कहाँ पर ज्यादा होगी। एक टॉपिक आपका बनता है यहाँ पर NMR स्पेक्ट्रा ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स दिए हुए होते हैं और उनके NMR स्पेक्ट्रास दिए हुए होते हैं, तो हमको आइडेंटिफाई करने होते हैं बेसिकली। तो ये टॉपिक आप NMR स्पेक्ट्रा में भी पढ़ सकते हैं या ऑर्गेनोमेटेलिक्स में भी पढ़ सकते हैं, दोनों जगह से पढ़ सकते हैं और इस पर एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। एक और चीज यहाँ पर होती है आपकी होमोजीनस कैटालिसिस। वहां पर वैसे तो सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है पर मेरी राय में जो विल्किंसन कैटलिस्ट वाला प्रोसेस है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस बाय यूजिंग विल्किंसन कैटलिस्ट, इससे तो क्वेश्चंस अक्सर पूछे ही जाते हैं। अगर आपका टाइम है तो इसके अलावा आप बाकी के सारे होमोजीनियस कैटालिसिस के प्रोसेस जैसे वेकर्स प्रोसेस, मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस, इनको भी कवर कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ टॉपिक है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, आपको रिवाइज करके ही जाना है, ठीक है। अभी इसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स के देखते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत लेंथी टॉपिक है, बहुत ज्यादा इसे यहाँ पर नहीं पूछा जाता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर होता है फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स इन बोरेन्स। बोरेन्स का जो बोरेन्स से एक्चुअली में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको निडो, अरेक्नो, ये सब क्लोजो बोरेन्स, इनके बीच में डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। कौन सा स्ट्रक्चर निडो होगा, कौन सा क्लोजो होगा, कौन सा अरेक्नो होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। जनरल बोरेन्स का स्ट्रक्चर जो होते हैं हायर बोरेन्स, वो आपको पता होना चाहिए। स्टिक्स रूल के बारे में पता होना चाहिए। और इसके अलावा आप ऑक्सी एसिड्स पढ़ सकते हैं, फॉस्फोरस एंड सल्फर के। ये आप लोग 12th से पढ़ते आ रहे हैं, आई होप आपको याद ही होंगे। जीनोन के कंपाउंड्स रिवाइज कर लीजिएगा। सिलिकेट्स, सिलिकेट से क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको कंपल्सरली रिवाइज करिएगा। सिलिकॉन्स को रिवाइज कर सकते हैं और आप फॉस्फाजीन्स को देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनोमेटेलिक्स से मिक्स क्वेश्चन कुछ साल से पूछे जा रहे हैं, तो इसमें कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, एंग्जाइटी लेने की जरूरत नहीं है। आपने अगर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ रखा है और ऑर्गेनोमेटेलिक्स भी पढ़ रखा है तो उन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। जैसे मायोग्लोबिन्स को आप रिलेट कर देते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से आयरन की, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हीमोग्लोबिन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेस के लिए पूछे जाते हैं, नाइट्रोजिनेस से, इनसे बेसिकली जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा हीमरिथ्रीन, हीमसाइनिन के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके टाइम पर डिपेंड करता है, आप पर कितना टाइम है, पर ये टॉपिक्स तो आपको करना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे कि इनऑर्गेनिक एनएमआर स्पेक्ट्रा, जो मैंने आपको बताया था अभी। ऑर्गेनोमेटेलिक्स से रिलेटेड एनएमआर स्पेक्ट्रा पढ़ सकते हैं, या 19F से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। 31P से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये इनऑर्गेनिक में आपको कुछ कंपाउंड सरल से दिए होते हैं, अगर आपकी एनएमआर क्लियर है तो वो क्वेश्चंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन कंपाउंड्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने सिग्नल्स वहां पर मिलने वाले। बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। आप नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स में लिक्विड अमोनिया को पढ़ के जाइएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज आपने 12th से पढ़ा ही होगा, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। इसके अलावा एक बेसिक क्वेश्चंस आप तैयार कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। ये बहुत ज्यादा आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। वेस्पर थ्योरी के अनुसार कैसे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर दिए जाते हैं, कौन सा कंपाउंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, कौन सा स्क्वायर पिरामिडल होगा, किसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा, ये आई होप आप सबको पता ही होगा। तो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस इससे आपको पार्ट बी में मिल जाएंगे, तो ये आपको कवर कर लेना है। इसके साथ में आप एनएमआर को रिलेट कर सकते हैं, रिलेटेड को रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिव फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, जो रेडियो एक्टिविटी में रिलेटेड फॉर्मूलाज है। कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, लैम्डा का फॉर्मूला है, आपको वो पता होना चाहिए। टी हाफ का फॉर्मूला है, वो पता होना चाहिए। कुछ बेसिक से फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस पार्ट बी में आपसे रेडियो एक्टिविटी से पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपने इतने टॉपिक कंप्लीट कर लिए तो आपका जो CSIR नेट का JRF वाला एग्जाम है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो कि आपको कवर करने ही करने हैं। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वेरी वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।